हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम VBA की लूप सीख चुके हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट सीख चुके हैं, और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखने जा रहे हैं सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस VBA का एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल इफ को रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको मल्टीपल इफ्स लगाने पड़ते हैं, एल्स लगाने पड़ते हैं, तो आप ये अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल इफ की जगह पे। आप सिलेक्ट केस को इजीली यूज़ करेंगे, इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सिलेक्ट केस को यूज़ करना। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ली है ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारे पास मंथ्स होते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा यहाँ पे सेल D3 में, और रिस्पेक्टिव जो भी मंथ है वो E3 सेल में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम करेंगे यूजिंग सिलेक्ट केस। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की विंडो आ चुकी है और हम इंसर्ट करेंगे अपना मॉड्यूल। सबसे फर्स्ट काम यही होता है, हमें सब प्रोसीजर ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे सब प्रोसीजर लिखूंगी अपना। इस सब प्रोसीजर में अपनी कोडिंग लिखेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे, तो नंबर मेरा 1 से लेकर 12 तक तो वैलिड होगा क्योंकि फर्स्ट मंथ आपका जनवरी होता है। 2 हम एंटर करेंगे तो फेब्रवरी डिस्प्ले होगा एंड सो ऑन। 12 के बाद अगर आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो वो इनवैलिड मंथ आएगा क्योंकि 12 के बाद हमारे पास कोई भी मंथ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे D3 में मुझे एक वैल्यू चाहिए जो कि मेरी क्या होगी, नंबर होगी। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी सबसे पहले। तो मैंने वेरिएबल करने के लिए, आपको पता है हम हमेशा डिम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो मैंने वेरिएबल लिया एक्स एज, और मैंने उसकी डेटा टाइप रख दी है इंटीजर। आप बाइट से भी काम चला सकते हैं। तो अब ये जो एक्स है इसमें वैल्यू कहाँ से जाएगी, वैल्यू जो भी हम D3 में एंटर करेंगे वो वैल्यू किस में चली जाएगी, x वेरिएबल में चली जाए। तो मैं लिखूंगी x इक्वल्स टू, और यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं रेंज। तो यहाँ पे है हमारा D3 डॉट वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी D3 सेल में वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, X में स्टोर हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट की। जब भी आपने सिलेक्ट केस लिखना होता है तो उसके लिए जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं सिलेक्ट केस, और यहाँ पे मैं लिखूँगी अपने वेरिएबल का नाम, दैट इज़ X। देखिए, सिलेक्ट केस में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल केसेस होते हैं। एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो एक केस के साथ मैच करेगी, और उस केस में आपने जो भी काम करवाया होगा, कोई फंक्शन लगाया होगा या कोई आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया होगा, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाया होगा, तो वो आपका सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी केस 1, और यहाँ पे लगाना है आपको कॉलन। केस 1 में क्या होगा, जो मेरा सेल है दैट इज E3, और डॉट इसमें वैल्यू चली जाएगी आपकी जनवरी। तो मैं जैन तक ही लिखती हूँ अभी। तो देखिए मैंने क्या किया, अगर मैं X में वैल्यू 1 देती हूँ तो ये 1 मैच होगा आपके केस के साथ। अगर आप X में 1 वैल्यू देंगे तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर केस 1 एग्जीक्यूट होता है तो आपके E3 सेल में वैल्यू चली जाएगी जैन। आप इसको कम पूरा भी लिख सकते हैं। बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या होगा, जो आपका ये सेल होगा उसमें वैल्यू आ जाएगी, ये सेल है आपका E3,
और उसमें वैल्यू आएगी दैट इज फेब्रुअरी। तो सिमिलर आपने यहाँ पे टोटल बनाने हैं पहले 12 केसेस, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहीं पे हम चेंज करते जाएंगे, थर्ड केस बन जाएगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा मार्च। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे हम अपने केसेस बना लेते हैं और फोर्थ जो है वो अप्रैल। केस नंबर 5, 6, 7, 8 टोटल सारे केसेस बन गए हैं। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसके लिख देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास टोटल यहाँ पे जो वैलिड केसेस बनेंगे वो बनेंगे 12। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का यहाँ पे काम करवाने जा रहे हैं। जैसे मैंने तो सिर्फ यहाँ पे कोई नंबर एंटर करेंगे और मंथ डिस्प्ले करने हैं, तो मंथ के आपको पता है कि 12 होते हैं, इसलिए मेरे 12 केसेस बन गए। अब एक लास्ट में केस बनता है दैट इज केस, जिसको हम डिफॉल्ट केस भी बोलते हैं। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब इनमें से कोई भी केस आपका रन नहीं होता। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 12 के बीच में एंटर नहीं करते हो तो उस केस में आपका एल्स वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स के केस में मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, तो कुछ ऐसा ही हम लिखेंगे। तो दिसंबर की जगह यहाँ मैं कर देती हूँ इनवैलिड मंथ। और यहाँ पे अब हम एंड करेंगे अपने सिलेक्ट केस, एंड सिलेक्ट। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मैंने यहाँ पे किया क्या है। सबसे पहले मैंने एक एक्स लिया है वेरिएबल, जिसको मैंने इंटीजर डेटा टाइप रखा है। जो भी हम D3 सेल में वैल्यू डालेंगे, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 5, तो ये 5 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, हमारे X में चली जाएगी। जो भी D3 में वैल्यू होगी वो X में चली गई। उसके बाद है केस सिलेक्ट 5, तो यहाँ पे X की जगह 5 आ जाएगा। सबसे पहले ये 5 कंपेयर होगा केस नंबर 1 के साथ। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5, तो 1 और 5 इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका कंट्रोल चला जाएगा केस नंबर 2 पे। जो 2 है वो एक्स के साथ कंपेयर होगा, एक्स की वैल्यू 5 है लेकिन यहाँ पे केस में आपके पास 2 है, 2 भी 5 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपका कंट्रोल केस नंबर 3 पे चला जाएगा, 3 और 5 आपस में चेक होंगे जो कि इक्वल नहीं है, ये केस भी स्किप हो जाएगा। सिमिलरली केस नंबर 4 स्किप होगा। जब केस नंबर 5 पे आपका कंट्रोल जाएगा, 5 और एक्स की वैल्यू 5 आपस में मैच कर जाएगी और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज मे। अगर आप 1 से लेकर 12 तक वैल्यूज नहीं डालते हो, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 5 की जगह पे मैं 20 डाल देती हूँ, तो आपके सारी के सारी जो केसेस हैं वो स्किप हो जाएंगे। क्या केस एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला, उसमें आपका दिखाई देगा इनवैलिड मंथ। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं सबसे पहले।
मैंने अपने कोड को रन किया और आप देख सकते हैं मेरे मंथ नेम आ गया है मई। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 10, तो अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ से रन कमांड से यहाँ पे F5 करूँगी। तो जैसे मैंने रन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है अक्टूबर। अब हम 12 की जगह कुछ और एंटर कर देते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 20 और यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ। जैसे मैंने 20 एंटर किया और मैं अब F5 की हेल्प से अपने कोड को डीबग किया, तो देखिए यहाँ पे मंथ नेम आ गया है इनवैलिड मंथ, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 1 से लेके 12 तक हमारे पास मंथ्स होते हैं। उसके अलावा आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे आपको हमेशा यही केस एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला, और आपको इनवैलिड मंथ ही डिस्प्ले होगा। तो ये होता है सिलेक्ट केस। सिलेक्ट केस मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल इफ़ की कंडीशन आ जाती है, हमें मल्टीपल इफ़ एल्स लगाने होते हैं, तो हम उसको बिना लगाए हम सिलेक्ट केस लगाते हैं। सिलेक्ट केस ऑल्टरनेटिव है आपके मल्टीपल इफ्स एल्स का, तो बहुत ही इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ वैल्यूज़ डिस्प्ले की हैं। अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन भी सिलेक्ट केस से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये सिलेक्ट केस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके लिए चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। एक एक करके आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, जिसमें आपको वीडियोज़ पूरे एक सीक्वेंस में मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।